नोएडा में चल रहा अवैध होर्डिंग का खेल। आखिर इसका रेवेन्यू कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये जो एड है, ये जो इन पोल्स है, वो पूरी तरह से अवैध है। इसका पैसा आखिर किसकी झोली में जाता है? क्या ये सिंचाई विभाग के पास जाता है? क्या ये नोएडा अथॉरिटी के पास जाता है? जब हम सिंचाई विभाग के पास जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, ये तो नोएडा की शुरुआत हो गई है, तो नोएडा अथॉरिटी के पास पैसा जाता है। जब हम नोएडा अथॉरिटी के पास आते हैं तो अथॉरिटी कहती है कि नहीं, सिंचाई विभाग की जमीन है, सिंचाई विभाग के यहाँ पैसा जाता है। अवैध होर्डिंग के खेल का खिलाड़ी कौन? पहले आप एक देखिए, उसके बाद फिर मैं आपको दूसरा एड दिखाऊंगी, उसके बाद फिर तीसरा और चौथा, और ना जाने कितने अनगिनत ऐसे हैं जो खत्म नहीं होते। आखिर ये एड अवैध तरीके से कैसे चल रहे हैं? नोएडा अथॉरिटी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। कई ऐसे विभाग के अधिकारी है जो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता। कौन लगा रहा राजस्व को लाखों की चपा? ये देखिए, बड़े बड़े ब्रांड्स की एड है, हिताची का ये एड, अब देखिए इससे लाखों रुपए, और इन सभी अगर हम यूनिपोल्स की बात करें तो करोड़ों रुपए आता होगा, लेकिन किसकी जेब में जाता है ये सवाल है। क्यों जाता है, कैसे जाता है, किस अधिकारी को पता है, ये भी बड़ा सवाल है। कोई अधिकारी कुछ नहीं कहता। समृद्धि, तीन तीन एड जो है, तीन तीन यूनिपोल्स पे लगे हुए हैं समृद्धि के, बड़ा ब्रांड है, लग्जरी लैंड है, और यहाँ पे पैसा किसके पास जा रहा है, इन्होंने क्यों लगाया है, किसने परमिशन दी है, किसकी परमिशन के बाद यूनिफॉर्म्स लगे हैं, कोई कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ अनुमति एक की वहाँ लगा दिए कई। अवैध होर्डिंग से किसके हो रहे वारे न्यारे? जो ये रोड आप देख रहे हैं, ये विकास मार्ग है, सीधा नोएडा एक्सटेंशन की तरफ जाता है। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे ऐसे एड हैं जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर कल दोपहर 2 बजे।